थ्री स्टार्ट, फिर से साथ में कोऑर्डिनेशन वन टू थ्री कूदो। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो हम लोग लेके आ चुके हैं फीचर माय कार, और फीचर माय कार में आज दो बहुत स्पेशल चीजें हैं। एक तो है जो है हमारी पोलो गाड़ी, और दूसरी है भाई चार चाइल्डहुड फ्रेंड्स आ रखे हैं गाजियाबाद से स्पेशली अपनी गाड़ी फीचर कराने के लिए। मेरे भाई का आज बर्थडे भी है। किस क्या डेट है? 3rd January। तो मोस्ट प्रॉब्ली जिस टाइम पे वीडियो आ रही है उस टाइम पे 3rd January नहीं होगा टाइम, वीडियो लेट आ रही होगी, लेकिन 3 January है भाई को। तो सबके सब नीचे हैप्पी बर्थडे लिख देना, कोई बात नहीं, बाद में कर रहे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, लेकिन भाई को जो है हैप्पी बर्थडे कह देना। इसी के साथ में आज की जो ये वीडियो है इसको रखेंगे बहुत स्वीट एंड सिंपल, थोड़ी सी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और सबसे जरूरी चीज भाई कितनी गाड़ी चल चुकी है किलोमीटर? 1 लाख प्लस किलोमीटर। 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है, सेकंड हैंड गाड़ी है, लेट्स सी रिस्पांस कैसा रहता है, और करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। YouTube, so it's time कि आप लोगों को जो है भाई की गाड़ी के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखाया जाए। अगेन आप लोग अगर ऑफ कोर्स ही बात है गाड़ी से तो नोन होंगे, बहुत सारे लोगों के पास ये गाड़ी भी होगी, लेकिन भाई की गाड़ी को जो फीचर करने का सबसे बड़ा रीजन है वो है कि गाड़ी ने भाई 1 लाख किलोमीटर देख ली है। और भाई जो है जब आपने गाड़ी परचेज करी थी तब कितनी गाड़ी चली हुई थी? 65,000 किलोमीटर। तो 65 में उसने कुछ रोल अप किया होगा? रोल अप एज इन नहीं था, बिकॉज कार लेने का मेन रीजन मेरा ये था कि ये डॉक्टर की कार थी, तो थोड़ा सा ट्रस्ट था मेरा कि हाँ गाड़ी। और गाड़ी बढ़िया है कि नहीं है? गाड़ी बहुत अच्छी है। आपने कौन से ईयर में खरीदी थी? मेरे को भी सिर्फ 1 साल हुआ ये गाड़ी खरीदी। 1 साल लिए वो है, और 2011 मॉडल गाड़ी। चलो भाई ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर आप लोग सबसे पहले गाड़ी के प्रोफाइलिंग के बारे में बात करते हो, अगेन पोलो जो है वो बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, इट्स अ वेल नोन कार। और अगर आप लोग बात करते हो कि भाई लाइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइट्स में आप लोगों को चेंज देखने को मिलने वाला है। जितने भी 2011 के ओनर है उनको इस गाड़ी के अंदर चेंज दिखेगा। क्या चेंज है भाई, जरा हेडलाइट में थोड़ा ऑडियंस को समझाओ। 2011 मॉडल का हाईलाइन मॉडल है, टॉप मॉडल है पेट्रोल का। उस टाइम पे कंपनी ने इसमें ब्लैक बीजल नहीं डाल के दिया था, फुल क्रोम बीजल था। ठीक है भाई। तो पहला अपग्रेड गाड़ी लेते साथ मेरा ये था कि इस गाड़ी में मैंने क्रोम बीजल हटवा के ब्लैक बीजल डलवाया था। ठीक है भाई। और जरा 2013 ऑनवर्ड्स आना स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, एक बार ऑडियंस को समझाओ जो भाई नए हैं जिनको पता नहीं है ब्रेजल क्या होता है। क्या होता है ब्रेजल, समझाओ ऑडियंस। ब्रेजल पार्ट हमारा ये ब्लैक पार्ट होता है, ये जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिखेगा ये पूरा क्रोम में आता है जो कंपनी लगा कर देती है, इसको ब्रेजल कहते हैं, जो मैंने ब्लैक में कन्वर्ट करा। चलो ठीक है। और एक चीज और बताया, तो भाई ने जो एक चीज मेरे को बहुत अच्छी बोली थी कि अपने पैसों से अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराते हैं। ये पूरे मेरे पैसों से है, जो भी सेविंग्स कह लीजिए, छोटा मोटा मेरा थोड़ा सा काम है खुद का, ठीक है, उससे जो भी मेरी अर्निंग्स होती है वही पैसा इस पे लगा है। घर वालों की तरफ से सिर्फ गाड़ी आई थी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, घर वालों ने गाड़ी दिलाई, भाई जो है गाड़ी की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगेन अगर आप लोग कुछ अलग चीज हटके देखना चाहते हो तो आप लोगों को ये समुराई लगा हुआ दिख रहा होगा। समुराई को जो है हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं लिप बोला जाता है, या फिर इसको एक स्पोर्टी लुक लगाने के लिए या दिखाने के लिए गाड़ी को लगाया जाता है। इसकी कैसी है भाई, मतलब बारिश वारिश के मौसम में जब चली है तो कुछ उतरने के चांसेस है, कुछ ऐसी लगी प्रॉब्लम? बेसिकली ये लगवाए हुए मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी लगवाया मैंने, लगभग 1 हफ्ता पहले लगवाया ये, ठीक है, तो अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। गाड़ी ऑलमोस्ट उबड़ खाबड़ रोड पे गई है, बम्पी रोड्स पे गई है जहाँ पे पत्थर लगते हैं, बट अभी तक कोई इसमें वियर एंड टियर की कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, आप लोगों को समुराई की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगेन गाइस आप लोग जो ये समुराई खरीदते हो, ये मैं वैसे पर्सनल ओपिनियन के उससे बताया था, समुराई जो ओरिजिनल आता है दैट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है, ये कॉपी चलते हैं जो कि करोलबाग की मार्केट या कहीं से मिल सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई भाई ने जब गाड़ी ली थी तो फिर कहाँ सबसे पहली बार कहाँ घूमने के लिए गए थे? सबसे पहले हम गए थे मूर्थल। मूर्थल गए थे? मूर्थल में क्या खाया? पराठे। मूर्थल में पराठे खाए? सबसे पहले मेरे को लेने आया था। अच्छा, लेकिन सबसे पहले दूर तो मूर्थल ही गए थे। सबसे दूर मूर्थल गए थे, तो तब कैसी ड्राइव थी? फीलिंग अलग होती है दोस्त की गाड़ी में बैठने की। कंपनी की तरफ से वो चीज आई है, लेग रूम कम है, हाइट के हिसाब से लेग्स फिट नहीं हो सकते पीछे वाली सीट। ऐसा है क्या? हाँ जी। चलो कितनी हाइट है आपकी? मेरी 6'1" है। तो भाई अब हाइट बड़ी कर ली ना तुमने तो कुछ तो दिक्कत आएगी आएगी। चलो आ जाओ, एक बार साइड प्रोफाइलिंग की तरफ चलते हैं। अगेन भाई ने जो है गाड़ी के अंदर जो साइड का आपको चेंज देखने को मिलेगा वो अगेन एलॉय, कौन से रंग के आते थे अलॉय इसमें? जो कंपनी देती है इसमें ग्रे सिल्वर जो भी कलर रहता है वो उस टाइप के अलॉयज थे। ये मैट ब्लैक करवाया, ये आपने इसको कराया पाउडर कोटिंग कराया क्या कराया? या पेंट था? हाँ पेंट था, पाउडर कोटिंग नहीं थी, बट इसको भी साल भर हो गया, अब जाके थोड़ा बहुत इसका जो निकलने का कुछ कुछ पार्ट्स है बस वो। ठीक है भाई, एक बार अगर आप लोग बात करते हो कि गाड़ी की जो बॉडी लाइन है वो कैसी है, तो बॉडी लाइन फ्रंट से बहुत अच्छी थी। अगेन फ्रंट और रियर बम्पर तो पेंटेड होता ही होता है, फ्रंट एंड रियर बम्पर पेंटेड है। ठीक है, पेंटेड है। अगर आप लोग साइड में देखना चाहोगे भाई एक बार गाड़ी चेकआउट करो, बड़ी प्यारी गाड़ी देखने में लग रही है। और मैं भाई से एक चीज पूछता हूँ भाई,
आप कुछ बता रहे थे इसके रियर बंपर चेंज कराया था, क्या कराया था? रियर बंपर अपग्रेड कराया था क्योंकि डिफ्यूजर लगवाना था। तो अपग्रेड कैसे करवाया? कंपनी से ही लिया था दूसरा बंपर अपग्रेडेड मॉडल का। ठीक है, ये कौन से मॉडल का है? ये आफ्टर 2013 वाले मॉडल में ये वाला बंपर आता था। तो बिल्कुल स्नग फिट हो गया था? स्नग फिट नहीं कह सकते, गाड़ी की विड्थ बड़ी है लेकिन वो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू दिखेगा, उसके बाद गाड़ी का बिल्कुल 0-0 आ गया। ठीक है भाई, ये स्क्रू तो भाई इसकी जगह आप एक वो उस तरीके के आते हैं ना जैसे आप लोगों की रैली वाली गाड़ियों में लगते हैं लॉक्स आते हैं, वो मेरे को मिले नहीं अपने आसपास, मैंने कहा जब दिल्ली करोल बाग जाऊंगा तब देख लूंगा। चलो भाई ठीक है, डिफ्यूजर बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में और इस गाड़ी का लुक जो है वो काफी इनहेंस जो है वो इसके बाद लगता है। भाई ने इसमें रिफ्लेक्टर्स भी लगाए हुए है ना? हाँ जी, रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, ये रिफ्लेक्टर्स जो है वो मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर्स है। इसी के साथ में अगर आप लोग टेल लाइट के बारे में बात करते हो तो इसको स्मोकी ब्लैक कर रखी है। वैसे मैं भाई को बोलूंगा कि आने वाले टाइम पर अगर आपको टाइम मिले या मौका मिले तो भाई देखो ऑडी की लाइट्स आती है आगे की। हाँ जी ठीक है, लुक वाइज अच्छी है लेकिन बीम ज्यादा नहीं फेंकती है, लेकिन अगर आप लुक्स के लिए डाई कर सकते हो तो भाई वो लगवा लेना। पीछे भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप आने वाले टाइम पे करवा सकते हो। नेक्स्ट इसका अपग्रेड रहेगा बट थोड़ा वही है, बजट अपना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात लगी मेरे को भाई की। और गाड़ी में ऑडियो से रिलेटेड अगर आप लोग देखोगे, ठीक है भाई, सबसे पहले तो पढ़ा भाई हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो भाई कह रहा था कहाँ आना जाना होता रहता है भाई? ग्रेटर नोएडा कॉलेज है, रोज का अप डाउन रहता है तो भाई इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है ना, ऐसा नहीं मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करने के लिए बोल रहा, लेकिन सही अपनी सेफ्टी जरूरी है। चलो भाई ठीक है, इसी के साथ में भाई ने जो है इसमें एक ठीक है क्रैकर कंपनी का क्या बोलते हो भाई इसको, बेस ट्यूब है 1350 वाट। कैसा बेस देती है? सही, मैंने जब लगवाई थी उस टाइम पे मैंने ऑनेस्टली JBL 1250 वाट और क्रैकर 1350 वाट सुनी थी। ठीक है, यही जीता होगा। मेरे को उम्मीद थी कि JBL जीत जाएगी क्योंकि ये ब्रांड नोन नहीं थी उतनी उस टाइम पे, बट यार बेसिकली क्या होता है जितने भी आपको नोन ब्रांड्स है वो कुछ लिमिट्स में रह के अपने जो ऑडियो या फिर अपना कुछ भी अपग्रेडेशन करते हैं। अब ये क्या है, ये घोड़े एम कौन सा लगा पहले बताओ? एम तो पैनासाउंड का है, पैनासाउंड के दो आते थे, गोल्डन सीरीज वाला थोड़ा ऊपर था तो वो लगवाया। चलो ठीक है, तो भाई ये तो चलो ठीक है। और ये जो वायरिंग है ये मोस्ट प्रॉब्ली वायरिंग भी कौन सी करवा रखी है, याद है उस टाइम पे? फ्यूजन की लगवाई, फ्यूजन ही है ना? हाँ। सही है, फ्यूजन। ठीक है, मैंने भी फ्यूजन यूज कर रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अमन भैया के पास जाना है अपग्रेडेशन क्या कराने वाले उधर? वायरिंग सही होगी पहले तो पूरी गाड़ी की। अच्छा, कंपोनेंट चेंज। चलो भाई परफेक्ट है, मैं कहूंगा डैम्पिंग भी करा लेना, वैसे गाड़ी में जितनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है इसमें क्योंकि इसके डोर बहुत भारी है। डोर्स भारी है, थोड़ा सा बस डिक्की में वाइब्रेशन फील होती है। वो होगा यार क्योंकि आपने जो चीज लगा रखी है ना वो मौत है, वो एंड चीज है। आ जाओ एक तरफ, आ जाओ जरा उस तरफ, थोड़ा सा ऑडियंस को दिखा। ठीक है भाई, तो एक बार जरा भाई के सीट कवर चेकआउट करो, लुक्स वेरी गुड। मैंने भाई से पूछा था भाई कहाँ से सीट कवर लगाए, गाजियाबाद से लगाए, इंद्रपुरम कहाँ बता रहे थे? हाँ, इंद्रपुरम में ही है, मतलब गाजियाबाद में इंद्रपुरम में, वहीं से लगवाए थे सीट कवर। चलो भाई ठीक है, और स्टॉक सिस्टम रखा हुआ है, सब चीजें स्टॉक है, स्टेरिंग जो है वो विदाउट आपके माउंटेड बटन आता है, एयरबैग कितने हैं इसमें? दो एयरबैग है ना, और भाई ने एक हमान की स्क्रीन लगाई हुई है ये रियर कैमरे के लिए। हाँ जी, रियर कैमरे। चलो भाई ठीक है, ये परफ्यूम भी है भाई, लोग पूछते ना क्या है ये स्टाइल के लिए रखा हुआ है, परफ्यूम होता है ये, परफ्यूम ही है ना? परफ्यूम ही है ना। चलो भाई बढ़िया, एक बार भाई को बुलाओ जरा, छे वाले भाई को, भाई एक बार जरा बैठ के दिखाओ ऑडियंस को पीछे क्या दिक्कत आती है। सो भाई देखो ये एक रियल फीडबैक है जो कि ऑडियंस, अगर आप में से कोई भी छे एक का जो पीछे बैठ रहा है तो भाई का लेग रूम यहाँ फिट, हेडरूम में दिक्कत होती है ना? हाँ यार, हेडरूम में भी इश्यूज है, फिर उतरने में बहुत, तो टेढ़ा होके बैठना है एक बार, जरा टेढ़ होके हो सकता है जुगाड़, ऐसे ठीक रहता है, ऐसे आपका सर नहीं टच हो रहा। चलो भाई ठीक है, तो भाई के साथ जब तुम जा रहे हो तीन ही लोग जाने पड़ेंगे, चार नहीं जा सकते ना। चलो भाई ठीक है, ये तो बात हो गई भाई, आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू चेकआउट कराना था। जहां तक आप लोग बात करोगे रूफ टॉप के बारे में, तो रूफ टॉप में अगेन देखो ये भी बहुत डाइसी चीज है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर भी ऑडियंस का शेयर कर देता हूँ। ये क्या हुआ है भाई इसमें? ये भी एक्चुअली अभी लगवाई थी ये विंटर्स में, तो यार विंटर्स में 31st को ही लगवाई थी मैंने। अच्छा, अभी ठीक होने में टाइम लगेगा? क्या है वैसे खराब हो गई है? जैसे जैसे धूप पड़ेगी, कहा तो है कि हो नहीं होगा ठीक, नहीं होगी तो दूसरी लगा लेंगे। हाँ ये मुश्किल है भाई ठीक होना, क्योंकि ना इसमें क्या है, इसलिए कहते हैं ठंड के टाइम पर रैपिंग नहीं करानी चाहिए, मैंने भी रैपिंग कराई थी तो मेरी भी रैपिंग कहीं कहीं से उखड़नी स्टार्ट हो गई है। उखड़ने की मेरे को इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बाद वॉशिंग वगैरह सब हो चुकी है गाड़ी की, ठीक है। बट ये है, अब कहा है कि धूप में गाड़ी रखना, ठीक हो गया तो ठीक, वरना फिर से लगा लेंगे। चलो भाई ठीक है, इसी के साथ में गाड़ी में आप लोगों को शार्क फिन एंटीना लगा हुआ दिख जाएगा जो कि ब्लैक कलर का है, ये भी नहीं आता था? नहीं नहीं, इसमें वो लंबा वाला एंटीना जो कंपनी वाला आता था। और एक चीज और बताओ सबसे कमाल की बात ऑडियंस को, कि जो आपकी गाड़ी है ये पेट्रोल वेरिएंट है, कितने सीसी का इंजन है गाड़ी में? 1200 सीसी
1200cc का इंजन है। अगेन कंपैरिजन अगर आप सेम इंजनों का करते हो, अलग अलग गाड़ियों करते हो, तो मैक्स से मैक्स अगर मैं अपनी i20 कंपेयर करता हूँ तो मेरी गाड़ी देती है मेरे को 8-9-10 की एवरेज। आपकी कितनी दे रही है पेट्रोल में? 17 के माइलेज पे तो मैं अभी लाया हूँ इसको, 17 दे रही है भाई यार। मतलब ये तो भाई बढ़िया चीज़ है, मतलब पेट्रोल में भी अगर 17 की एवरेज है बहुत एफिशिएंट वाली बात है। धीरे चलाते हो? धीरे, अब तो कैमरे इतने लग गए, धीरे खुद ही चल रही है गाड़ी भाई। चलाना आए नहीं रहे लोगों के घर पे, बहुत लोगों के। चलो एक बार गाड़ी का बोनेट खोल के दिखाते हैं ऑडियंस को ना अंदर कैसा है एक बार। मतलब पोलो अच्छी गाड़ी है, मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्टली है गाड़ी का। कंपनी से कराते हो? नहीं, विदाउट कंपनी में भी इतना है कि कंपनी जाने का वही नहीं बनता। क्या करवाते हो जैसे कि क्या चेंज? देखिए नॉर्मल सर्विस तो क्या है, जैसे कंपनी में मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरे को लोगों ने बताया कि कंपनी में भी गाड़ी जाती है पोलो गाड़ी, ठीक है, पेट्रोल में तो 10,000-12,000। नहीं यार भाई, मेरी गाड़ी की सर्विस कितने की होती है पता है? 70 रुपए की। तो इसकी भी तो भैया बाहर इतने की होती है। अच्छा, इसकी बाहर सर्विस मेरी 4,500-4,000 रुपए में। सही है, 4,500-4,500 तो ज्यादा ज्यादा 5,000 रुपए। कभी मेरे को एक आधा चीज अपनी खुद की पसंद से अगर अपग्रेड का बन गया, ठीक है। कैस्ट्रॉल का इसमें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डल रहा है, सारा कंपनी वाली चीज है। चलो भाई अच्छी बात है, ये भी आपने अच्छा करा। गाड़ी का जो इंजन बे है वो बहुत ज्यादा क्लियर है, अच्छा रखा हुआ है। और भाई ने जैसे कहा था कि अच्छा फैमिली कार, तो इसमें ज्यादा अपग्रेडेशन अच्छी वाली ही रखनी है, बुरी नहीं करनी है। एमरॉन की बैटरी रखी है, हाई लाइफ फ्लो वाली है ना, वही है ना, हाई लाइफ फ्लो वाली। हाँ, ये बैटरी अच्छी है भाई, इसका रिस्पांस भी अच्छा है। ये बैटरी अभी डलवाई थी मैंने। अच्छा, ये बैटरी भी डलवाई। गाड़ी ली थी तो मैंने बैटरी चेंज करा दी थी, ऑल्दो कोई इशू नहीं था, बट इससे पहले कंपनी वाली बैटरी पे गाड़ी चल रही थी। लाल वाली थी, लाल वाली थी, लाल वाली होगी ना, ठीक है भाई। तो ये तो रहा भाई आप लोगों का रिस्पांस, जो कि भाई ने आपको चेकआउट करा दिया। एक बार जरा गाड़ी का मेरे को किलोमीटर्स दिखा देते ऑडियंस को ना, कितने किलोमीटर्स है? देख लो भाई, बाद में कोई बोले उससे पहले हम लोग आपको क्लियरली ये चीज़ दिखा देते हैं। और गाड़ी के अंदर बैठ के भाई फील बहुत अच्छी है, फील्स रियली गुड। और आर्मरेस्ट लकड़ी वाला है, ऑल दो इसमें भी मेरे को एक महीने की मेहनत लगी थी अपने घर के पास से लेने में। एक आया, दूसरी किसी पोलो के मॉडल का रहा होगा, मतलब कोई अपर वेरियंट का नहीं फिट बैठा, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, अब जाके लगा। नाइस भाई, अच्छा, नॉट बैड, रियली गुड, बढ़िया बना रखा भाई। गाड़ी का अंदर से जो है भाई पूरा मतलब डैशबोर्ड, और अगर आप देखोगे लड़कों की गाड़ी इतनी भी साफ हो सकती है भाई, मेरी गाड़ी तो बहुत गंदी रहती है। साफ ही रहती है मेरी, चाहे मतलब अगर वैसे जा रही हो कभी भी किसी भी ओकेजन में गाड़ी साफ ही रहेगी मेरी। चलो भाई अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है, अपनी गाड़ी संभाल के भी रखनी चाहिए। और भाई ने बताया कि जो इसका सिस्टम आता है उसमें ब्लूटूथ वाला ऑप्शन नहीं आता है। इसमें ब्लूटूथ भी नहीं है, यूएसबी भी नहीं है, एंड ऑक्स भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एफएम पे चलता है। ये कंपनी फिटेड स्टीरियो है जो 2011 में टॉप मॉडल में डाल कर आया था। अच्छा, सिर्फ एफएम मिलेगा या सीडी मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताना है इसमें, जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी हाइपरसोनिक का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो कौन सा वाला सोच रहे हो उसमें? हाइपरसोनिक की मेरी बात हुई थी भैया से, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को 2-3 वेरियंट बताए थे। अभी फिलहाल के लिए शायद 2.16 वाला था, 2.16 वाला, हाँ 2.16 वाला था उन्होंने मेरे को बताया था, विद डीएसपी। तो प्रिंस भाई अगर देख रहे हो तो भाई से बात कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। और बाकी आई गेस कि आप लोग एक ओवरव्यू मिल चुका है। लास्ट चीज जो मैं गाड़ी के साथ करने वाला हूँ, जो कि मैं बहुत कम गाड़ियों के साथ करता हूँ, वो है टेस्ट ड्राइव। एक बार गाड़ी चला के देखता हूँ मैं, 17 वाली चीज मैं भी फील करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर और बातचीत करें। ओके ऑडियंस, तो इट्स टाइम कि भाई की गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव की जाए, आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स बताया जाए। तो सबसे पहली चीज फोक्सवैगन पोलो जो है, सही बोल रहा हूँ ना, फोक्सवैगन या फोक्सवैगन, लोग वोक्सवैगन फोक्सवैगन सब कह देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए, बाकी तो आप लोग बहुत तेज हो, मेरे को पता है मेरी ऑडियंस बहुत तेज है हर काम में। सो जो गाड़ी की फील है, इस गाड़ी की प्रीमियम फील है भाई, मतलब इस गाड़ी को आप चलाओगे तो आपको खुद एक अच्छे से फील आती है। एंड अगेन भाई की जो है पेट्रोल वेरिएंट है, और मैंने भाई को एक चीज़ रिकमेंड भी करी कि अगर आप चाहो तो, पहले बता रहा हूँ, चाहो तो एग्जॉस्ट लगा सकते हो। मैंने ऐसे नहीं कहा भाई लगाओ, मैंने बोला आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। आर्मरेस्ट जो है वो सही है, पोजीशनिंग अच्छी है, चलाने में भी इट्स गुड। 2000 rpm, टेकिंग गुड टाइम ऑफ ब्रेक्स भाई। मतलब फोक्सवैगन की एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, इसके नो डाउट स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं और अवेलेबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है आफ्टर मार्केट में। क्या बात कर रहे हो? 2011 मॉडल के लिए भैया मेरी क्लच प्लेट का काम हुआ था बाहर, ठीक है। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ठीक है, क्लच प्लेट का मेरा काम हुआ था इसमें बाहर, मेरे को इसके फ्लाई व्हील मिलने में 2 दिन लग गए। लगेगा भाई, जहां कंपनी ने मेरे को फ्लाई व्हील बोला 3 हफ्ता, वहां बाहर से मेरे को 2 या 2.5 हफ्ते में ओरिजिनल पार्ट मिल गया था। ओरिजिनल मिल गया था? हां ओरिजिनल मिल गया भाई। ये थोड़ी सी रहती है प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको वैसे हम लोग,
ये है भाई ये चीज़ तो गाड़ी के साथ। और वैसे चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है मेरे को। अच्छा ये लेफ्ट राइट वाला फिर खेल शुरू हो गया क्या? नीचे नहीं ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा ना। हाँ ठीक है, तो हमें इंडिकेटर आदत है राइट में यूज करने की। ये बंद नहीं क्यों नहीं हो रहा? हो गया बस, नहीं हुआ। एक और बार ऊपर करिए, एक और बार बस, तो रुक ही नहीं था। तो भाई गाड़ी के वाइपर जो है वो मेरे से ऑन हो गए थे क्योंकि हमें लाइट का आदत होती है राइट से ना। कोई बात नहीं। तो क्या कहते हो, मैं सोच रहा था कि मैं अगर अपने गैराज में एक गाड़ी बढ़ाऊं तो वो पोलो होनी चाहिए और उसको फुल मॉडिफाई करूं, क्या कहते हो इस बारे में? पोलो नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, आप अगर इसको कहीं स्ट्रेच पे खींचना चाहो आप वो देखो करके, गाड़ी बहुत अच्छी जाएगी, स्मूथ है गाड़ी, चिपक के चलेगी। जितनी गाड़ी स्पीड पकड़ती है उतना गाड़ी रोड पे और अपने ट्रैक्शन लेती है। ठीक है, मेरे को अभी जैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्टीयरिंग हल्का सा चिपका हुआ है। स्टीयरिंग में करंटली मेरे को ये प्रॉब्लम अभी नोट हुई थी। ठीक है, मैंने स्टीयरिंग, क्योंकि मैं इसका स्टीयरिंग मूवमेंट कर रहा हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, तो ये स्टीयरिंग फंस रहा है। नो डाउट स्टीयरिंग में इशू है। मैंने एक जगह चेक भी करवाया था तो उन्होंने मेरे से कहा था कि स्टीयरिंग का मोस्ट प्रोबेबली कॉलम में इशू है, जो इलेक्ट्रिकल कॉलम है, इलेक्ट्रिक कॉलम में दिक्कत। अब इलेक्ट्रिक कॉलम का कंपनी पे जो रेट है वो 80,000-85,000 अप्रोक्स है। ओह माय गॉड। तो और बाहर से मेरे को जो मेरे नोन थे उन्होंने कहा कि भैया जब तक नहीं है दिक्कत तब तक चलाओ, अभी इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप पूरा स्टीयरिंग घुमाएंगे तो वापस आएगा लौट के। सिर्फ हल्की कटिंग में मतलब, मतलब जैसे ये राइट लेफ्ट में हो रहा है ना, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी भाई, क्योंकि आप अगर लॉन्ग ड्राइव में कभी चला के लेके जाओगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो एक चीज मैं आपको और बताया था भाई, गाड़ी की जो पिकअप है, अगेन थोड़ा भगा के देख लेते हैं। सो मेरे को गाड़ी ऐसे चलाने में बहुत मजा आता है और मैं अपनी गाड़ी ही ज्यादा तेज भगाता हूँ, दूसरों की गाड़ी कभी तेज नहीं भगाता, ये अपनी गाड़ी की फील अलग है। लेकिन मैं कहूंगा आपको कि ना एक बार मायापुरी ट्राई करना, स्टीयरिंग एक बार चेक करा लेना, क्योंकि इसमें मेरे को हल्का सा क्या लग रहा है कि स्टीयरिंग जैसे फंस जा रहा है। स्टीयरिंग भैया मायापुरी में भी मैंने एक मैकेनिक से पता करा था, उसने कहा था आपका कॉलम ही कॉलम 7,000-8,000 रुपए का आ जाएगा मायापुरी से। हाँ यार 7,000-8,000 का अगर आता है वो बुरा नहीं है। बाकी एक ने मेरे से कहा कि एक बार पहले आप अपनी गाड़ी मेरे पास एक दिन छोड़ दो, रैक चेक करवा लो। अब वही था कि कॉलेज से टाइम निकालना है, मतलब है बिना गाड़ी के नहीं चल पा रहा। बिल्कुल सही बात है। तो अब छुट्टियां हैं तो देखते हैं, अब कराऊंगा मैं इसका काम। नहीं सही है भाई, सही है, क्योंकि मेरे अलावा ये गाड़ी घर पे भी कोई नहीं चलाता, इवन मेरे फादर भी ये गाड़ी नहीं चलाते, तो मेरे को आदत पड़ गई है अभी स्टीयरिंग की। अच्छा आदत हो गई है। और यही गाड़ी लॉन्ग रूट पे जा रही है, जैसे मैंने बताया था ये फैमिली कार है, तो यही गाड़ी लॉन्ग रूट पे जा रही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों पे अभी चला कर आया हूं। पहाड़ों पे चला के आ चुके, लैंसडाउन गाड़ी गई थी, बहुत आराम से स्मूथली वापस आ गई। चलो भाई ठीक है, अगर भाई कह रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं भाई को बोलूंगा कि एक बार फिर भी चेकअप कराना जरूरी है। और बाकी तो भाई गाड़ी की रिपोर्ट जो है वो ओके है, मजेदार है गाड़ी, और हो सकता है अपने गैराज में अगली जो गाड़ी हो वो हम लोग पोलो ही ले ले, और मैं नई पोलो नहीं लूंगा क्योंकि भाई मेरे को सेकंड हैंड गाड़ी लेके उसमें पैसा लगाने में बहुत मजा आता है। ये तो गलत फीलिंग है, अच्छी फीलिंग नहीं नहीं, ये तो फैक्ट है कि यूज्ड गाड़ी में जो पैसे लगता है ना उसमें आदमी को पता चुभता नहीं है। हाँ जी हाँ जी, नई गाड़ी में एकदम से काम कराने में चुभेगा कि यार नई गाड़ी में क्यों काम करा, लेकिन पुरानी में भाई ये मेरा मानना है, मैं अगेन किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ इस चीज को, ये मेरा मानना है, तो प्लीज इस चीज को गलत उसमें मतलब में मत लेना। और बाकी भाई गाड़ी की रिपोर्ट जो है वो ओके है, और एंजॉय करते वीडियो एंड करते। गाइस तो वीडियो जो है वो एंड करने का टाइम आ चुका है, दिल्ली में बहुत अच्छी धूप आ चुकी है, ठंड थी कुछ दिनों से हाँ, अब तो नहीं है भाई, तो इसमें घूम रहा है मैं, जैकेट वैकेट पहनी हुई पूरी की पूरी, क्योंकि भाई थोड़ा सा हम जो है बाहर पूरे दिन भर बाहर ही रहते ना, तो थोड़ा सा भाई मौसम के अकॉर्डिंग सब ढल गया है। तो कैसा लगा भाई शूट, बढ़िया हुआ, मजा आया है, इंजॉयमेंट हुई? तो कहाँ जा रहे हो आज बर्थडे में? हम तो सीपी जा रहे हैं। सीपी जा रहे हो, सीपी में क्या करोगे पार्टी? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव भाई। नहीं नहीं ड्रिंक तो ड्रिंक तो करते ही नहीं। हाँ भाई ड्रिंक एंड ड्राइव कुछ मत करना, और भाई सीट बेल्ट जरूर पहनना, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई, फन अपनी जगह। न्यू ईयर कैसा रहा? अच्छा था, बढ़िया गया, सबका बढ़िया था। तो भाई एक बार जरा अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ कि आप लोग अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, और बाकी तो फिर पूछूंगा, पहले बताओ। हम चारों ही चारों बीटेक कर रहे हैं अभी। चारों मतलब बर्बाद, मतलब वो बीटेक कर रहे हो? ठीक है, बीटेक कर रहे हो, क्या क्या स्ट्रीम है? मेरी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मेरी केमिकल इलेक्ट्रिकल। तो भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड बंदा ये होगा गाड़ियों में, है? गाड़ियों का क्या सोचा, मतलब आगे चल के क्या कुछ डिजाइनिंग करोगे? या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में थोड़ा ज्यादा सोचा था, क्योंकि अब चेंज हो रहा है थोड़ा पीरियड का। क्या लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना प्रैक्टिकल कितना है? प्रैक्टिकल इंडिया में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में जो लोग है वो भाई उनके अंदर सबर नाम की कोई चीज नहीं है, है ना। चलो भाई ठीक है, एक गाड़ी आई थी Hyundai Kona नाम की, देखी होगी आपने, बट वो एक्सपेंसिव है क्योंकि
और पहली गाड़ी निकाली है सब ने. उसके बाद अभी एक MG की भी आ रही है, MG की भी आ रही है और टाटा नेक्सॉन भी निकाल रहा है. टाटा नेक्सॉन भी आ रहा है, मैंने देखा उसका अपडेट. चलो भाई, मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. बाकी भाइयों के साथ और हमारी बहन के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, फीलिंग वॉज रियली गुड. और आप लोग वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो? हाँ, फुल एंजॉयमेंट है. बढ़िया, 5 बजे यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं कि आने वाली और 7 बजे आ रही है. ठीक है, सो विद दिस सेड गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट. अगेन आज की जो वीडियो थी ये मतलब एक तरीके से मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे चारों जो दोस्त आ रहे थे यहाँ पर, उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी. इट वॉज अ वेरी गुड वीडियो. आप में से अगर कोई है भाई, देखो मैं हमेशा आप लोगों को जब भी बोलता हूँ कि अगर हम लोग फीचर माई कार में आप लोगों को मेल करने के लिए कह रहे हैं, मेल आईडी है ऑफिशियल मुसाफिर आका जोशी @gmail.com, तो भाई रिप्लाई आ जाता है ना. मेल पे नंबर आ गया था, व्हाट्सएप आता है ना. हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं किसी ने भाई ऐसे बोला भाई नहीं करूंगा फीचर, नहीं, 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 ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना. चलो भाई अच्छी बात है, मेरे को लगा भाई कोई बोल दे. तो विशाल और आकृति जो है वो यूजुअली आप लोगों के मेल्स का रिप्लाई करते हैं और उसके बाद सारे नंबर मेरे पास आ जाते हैं. ठीक है, और मैं भाई बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ क्योंकि भाई हमको अप्रिशिएट करते हैं और हमारे काम को अच्छा बोलते हैं. ठीक है, बढ़िया. तो फिर एक दिन आओ तुम लोग मुसाफिर स्क्वाड की वो संडे ड्राइव में, है ना. एक बार संडे ड्राइव में आओ मॉर्निंग में उठ के. सोच रहा हूँ मैं थोड़ा ब्रंच वाला भी ड्राइव किया जाए जिसमें दिन में हो ड्राइव, है ना. वो भी छोटने का सीन हो जाता है ना, पड़ाकू बच्चे भाई. तो विद दिस सेड गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो. मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7011 यानी कि मुसाफिर 7811. फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर स्कॉट. सो विद दिस सेड गाइस, करते आज की इस वीडियो को एंड. कैसे एंड करते हैं? सैल्यूट करते हैं. ठीक है, सैल्यूट. सो विद दिस सेड गाइस, करते आज की इस वीडियो को एंड. सो टिल देन कीप वॉचिंग, बोलने दो. सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय. आज जिन भाई ने हमारा पूरा कैमरा पकड़ के हमारी बहुत मदद करी है, नाम बताइए भाई. वेंकटेश भाई, क्या करते हो भाई आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ. चलो भाई, तुम भी साथ में ही हो. ठीक है भाई, बढ़िया.